छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में विज्ञान में पांचवा पाठ पृथक्करण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पृथक्करण के निसंदन विधि का अध्ययन किया था, उसके क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन किया था। ठोस पदार्थों को द्रव पदार्थों से अलग करने की जो विधि थी वो क्या थी, निसंदन की विधि थी। इसमें जो ठोस पदार्थ अघुलनशील पदार्थ जल में उनको अलग करने की प्रक्रिया थी। अब अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है वह है वाष्पन। क्या है? वाष्पन है। वाष्पन में अपना एक क्रियाकलाप नंबर 6 दिया है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डाल लेते हैं या चीनी डाल लेते हैं, कोई भी जो जल में घुलनशील है वो पदार्थ डाल लेते हैं और उनको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। जल के रंग में हम देखते हैं कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो आप देखेंगे केवल चीनी या नमक डालने से जल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिलाने के बाद अब हम नमक को मिलाया तो नमक देखें, चीनी को मिलाया है तो चीनी को देखें। चीनी मिलाने का कार्य तो हम गर्मियों में जो आप शरबत बनाते हैं आप तब करते होंगे, आपने देखा होगा। आप चीनी मिलाते हैं जल के अंदर तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे हिलाने पर वह चीनी जल में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है, आपको चीनी के कण दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार नमक या चीनी के जल से भरे बीकर को अब क्या करते हैं, गर्म करते हैं और जल को जब उबालते हैं गर्म करते हैं तो पानी भाप बन करके उड़ने लग जाता है, ऊपर उठता है और आपको उस पात्र में से भगुने में से जिसमें आप पानी को गर्म कर रहे हैं उसमें से पानी भाप बन करके उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। कुछ देर तो दिखाई देता है, उसके बाद हमें वह भाप दिखाई नहीं देती है, वायु में विलीन हो जाती है। तो इस क्रियाकलाप ने हमने मिश्रण में जल तथा नमक या चीनी कोई सा भी एक पदार्थ ले सकते हैं, उनको पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जब देखते हैं अधिक देर तक उबालते रहते हैं तो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाता है और नीचे पैंदे में क्या बच जाता है, चीनी या नमक के कण होते हैं वो शेष बच जाते हैं। हमारे घरों में कोई विवाह शादी फंक्शन आदि होते हैं, जब देखते हैं हलवाई चाशनी बच जाती है, चाशनी में मिले हुए पानी को और अधिक देर तक उस कढ़ाई में उस चाशनी को डाल करके गर्म करते हैं तो उसमें देखिए वो सारा पानी उड़ जाता है और उसमें से जो खांड है वो छोटे छोटे कणों के रूप में खांड नीचे रह जाती है, जिसको हलवाई हमें इन्हें पृथक करके उसमें से निकाल करके हमारे लिए आगामी उपयोग के लिए अलग करके रख देता है। उसी प्रकार जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जो जल है जल को कैसे बदल दिया, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। छात्रों ये वाष्पन की प्रक्रिया स्वतः ही प्राकृतिक रूप से भी होती थी। कैसे? समुद्रों का पानी, झीलों का पानी, नदियों का पानी वाष्पीकृत होकर के और वायुमंडल में मिलता है, उड़ता रहता है और ये क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया भी क्या है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण क्या है, जल के क्वथनांक से कम तापमान पर जल को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जल के उसके क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब जहाँ पर जल होता है वाष्पन को वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, लगातार होती रहती है। यानी कि आज वाष्पीकरण हुआ या जिस समय वर्षात नहीं हो रही तब वाष्पीकरण हुआ, ये वाष्पीकरण प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जहाँ पानी भर जाता है उसके पश्चात हम देखते हैं हवा चलने पर वह पानी अपने आप ही वहाँ से सूख जाता है। कुछ पात्रों में बर्तनों में हम पानी रखकर देखें तो वह भी वाष्पीकृत हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है निरंतर होती रहती है, रुकती नहीं है। आपके विचार में ये नमक कहाँ से आता है, क्या कभी आपने सोचा है? यह नमक हमें
इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। समुद्रों का पानी बहुत खारा होता है, उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। अपने राज्य राजस्थान में भी खारे पानी कुछ झीलें हैं, सांबर है, डीडवाना है, पचपदरा है, लोन करणसर है, वहाँ पर भी जो ये झीलें हैं कैसी है, खारी हैं, इनमें नमक के लवण की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ से भी ये जो नमक आता है वह है, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। लवण, ये जो नमक होता है, ये लवण है, ये उसमें मिश्रित नहीं घुले हुए होते हैं। क्या होते हैं? घुले हुए होते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो आप पानी में क्या डाल देते हैं? पानी में चीनी डाल देते हैं, पानी में नींबू का रस डाल देते हैं, और कुछ मात्रा में सेंधा काला जो नमक डाल देते हैं, तो ये सब पानी में क्या है, मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये समुद्र हैं, झीलें हैं, उनमें जो लवण है, नमक है, मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। इनमें क्या है, जो साधारण नमक है ये भी लवण है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, गड्ढे होते हैं समुद्र के पास जहाँ तट होते हैं, तटों पर क्या करते हैं, क्यारियाँ बना देते हैं, और उन क्यारियों में समुद्र के जल को भर दिया जाता है क्यारियों को। अब कुछ समय पश्चात उसमें कुछ पानी तो नीचे ज़मीन में अवशोषित हो जाता है, कुछ वाष्पीकृत होकर गुड़ जाता है, और उसमें जो लवण होते हैं, नमक होते हैं, वो लवण उन क्यारियों में ठोस रूप में जमा हो जाता है, बाद में उसको पृथक कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार जो प्रक्रिया है जिसमें ये क्यारियाँ बनाती है, उनको कहते हैं लैगून कहते हैं। क्या कहते हो? लैगून। उथले गड्ढों में बढ़कर के छोड़ दिया जाता है, और सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के, इतना गर्म नहीं होता है जितना अपने स्टोव पर गैस पर पानी को गर्म करते हैं, हल्का सा गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से पानी, तो आप देखा होगा। तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगा। वाष्प क्या है? भाप है। जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप आपको उड़ती हुई दिखाई दे, ऐसे ही ये भाप बन करके पानी उड़ने लगता है वाष्प में बदल करके। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, और ठोस लवण नीचे बचे रह जाते हैं। ठोस लवण क्या होते हैं? नीचे बच जाते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तत्पश्चात ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। ठोस लवण जो नमक का रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है, वो ये लवण ठोस रूप में, जैसे आप साबुत नमक लाते हैं दुकान से, उस रूप में ये इकट्ठा हो जाता है। ये कैसा है? क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय रूप में होता है नमक। इसके जो कण होते हैं निश्चित ज्यामितीय संरचना वाले, आकार वाले होते हैं, इसलिए ये है क्रिस्टलीय होता है। इसके पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके, अभी जो लवण है इसके मिश्रण का क्या कहते हैं, शोधन किया जाता है, और साधारण नमक शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पहले समय में तो हम इनको बिना शोधन की हुई अवस्था में ही नमक प्राप्त करते थे, उनका उपयोग करते हैं। वर्तमान में इन पानी का कारखानों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा इस पानी से उसमें अशुद्धियों को पहले ही पृथक कर करके और शुद्ध नमक अब प्राप्त किया जाने लगा है। आगे हैं, अभी देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये समुद्र झील दिखाई दे रही है, समुद्र या झील है ये, जो इसमें लवण की मात्रा, लवणीय जल की मात्रा अधिक होती है। यहाँ से पानी ला करके ये जो आपको दिखाई दे रही क्यारियाँ बनी हुई है, क्या ये क्यारियाँ बनी हुई है, छोटे छोटे खाने से बने हुए भूमि पर ये गड्ढे के रूप में हैं। किस में है? ये गड्ढे बने हुए हैं, ये गड्ढे हैं। मान लीजिए ये कितने खाने बन गए अपने? छः खाने हैं, छः क्यारियाँ हैं। क्या हैं ये? छः क्यारियाँ। इन छः क्यारियों में यहाँ से समुद्र से लवणीय जल ला करके, क्या ला करके? लवणीय जल ला करके इन क्यारियों में डालते हैं, और यहाँ से पानी भाप बन करके उड़ता रहता है, और लास्ट में जब सारा पानी भाप बन करके उड़ जाता है, इन क्यारियों में हम क्या मिलता है, हमें ठोस रूप में नमक आपको दिखाई देगा। उस नमक को हम क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं।
पृथक्करण क्या कहते हैं, उनका शोधन किया जाता है लवणों का और उनको पन्न शुद्ध करके और ये अपने खाने के उपयोग में काम आता है। अब आगे दिए है कि पृथक्करण की एक से भी अधिक विधियां होती है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थों को मिले होते हैं, उनको भी हम पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कर करके फिर उनको हमें अलग करना पड़ता है। तो ये आपने समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की ये डायग्राम देख लिया। अब आगे है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है, उसमें देखिए कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियां के बारे में अध्ययन कर लिया। विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम यहाँ अध्ययन किया। पृथक कहते हैं अलग करना का। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित, जो मिश्रण है उसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों, अवयव होते हैं उसके घटक, पदार्थ के घटक। जैसे आपने मान लीजिए आपने शिकंजी बनाई तो उसमें कौन कौन से अवयव होए, एक तो जल, दूसरा चीनी, तीसरा नींबू का रस, और उसमें भी आपने कुछ सेंधा काला नमक डाला है तो ये क्या हो गए, ये अवयव हो गए आपके शिकंजी के, आपके शरबत के। यदि आपने रूह अफजा डाली है तो आपकी चीनी, जल और रूह अफजा या रसना जो भी डालते हैं वो सब क्या हो गए, इसके अवयव हो गए। तो इन अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग नहीं होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हमें एक से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है उनको अलग करना पड़ता है, और उनके लिए हमें एक नहीं बल्कि एक से अधिक विधियों का उपयोग भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की हमें आवश्यकता होती है। केवल कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें एक ही नहीं एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है, निस्तारण करना पड़ता है, अवसाधन करना पड़ता है, वाष्पीकरण भी करना पड़ता है या छानना पड़ सकता है। इस प्रकार हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो छात्रों आज अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। कल हम एक से अधिक पदार्थों के मिले होने पर उनसे अलग अलग विधियों द्वारा पदार्थों को अलग कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।